प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता भर्मा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सेना के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालों पर पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और घोटालों के समय चौकीदार ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सेना के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालों पर पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और घोटालों के समय चौकीदार ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। मैं कहा था, मैं इसलिए अपने आप को चौकीदार बोल रहा हूँ कि जो भ्रष्ट सरकार थी उसकी चौकीदारी में था। पर मैं ये पूछना चाहूंगी, जब व्यापक घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में और उसमें पैसे तो खाए खाए पर दुनिया के लोग जो मार दिए, जो विटनेस जा रहे थे, उसमें मोदी जी चुप क्यों थे? तब चौकीदार क्यों चुप था? जब राजस्थान में वसुंधरा राजे ने आपकी माइनिंग और इसमें कितने पैसे वहां पर भी उनका घोटाला निकला, तो आपके चौकीदार क्यों चुप थे? आपके जब चौकसी जी बाहर चले गए, नीरव मोदी जी बाहर चले गए, सारे पैसे पूसे लेके बाहर चले गए, तो चौकीदार ने क्यों नहीं चौकीदारी की? क्योंकि उसने कहा था, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, भ्रष्ट लोगों को रोकूंगा, तब मैं चौकीदार हूं आपका। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई ऐसी बात है, शायद उसको बड़े लंबे तौर पर ना समझा सके, इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम चोर हो, भाई तुम क्यों अपने आप को चौकीदार हो? शायद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया उसका, ये भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला है, मैं एटलीस्ट अपनी बेटियों के लिए जरूर बोलना चाहूंगी, और क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से भी बिलोंग करती हूँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब कुछ सैनिकों ने, जिसमें बड़े बड़े अफसर थे और दूसरे भी हमारे जेसीओस भी थे, जिन्होंने लिखित रूप में दिया कि हमें ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शन के लिए। ऐसी स्ट्राइकें और ऐसी चीजें होती आई हैं और होती होंगी आगे भी, क्योंकि हम देश के लिए मरते हैं, देश के लिए हम आगे आते हैं, और कृपा करके आप हमें मत इस्तेमाल कीजिए और हमारे नाम को लेकर आप वोट कमाने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ऐसे बोला गया, क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा, सारा परिवार हमारा सैनिक परिवार है और हमें तकलीफ होती है जब ऐसी ऐसी बातें होती है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल वर्मा, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, सुनील कुमार, राजेश अनंत, राजेश चौधरी भी मौजूद रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।